सर दोस्तों, स्वागत है आपका रील्स अवस्थी फोटोग्राफी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री वेडिंग के बारे में कि प्री वेडिंग के शॉट्स जो होते हैं क्लिक तो हम कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग उनकी किस तरीके से की जाए, उन्हें किस तरीके से इन्हेंस किया जाए, तो इस बारे में हम आज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्री वेडिंग फोटोग्राफ को एडिट करना कि किस तरीके से उससे हम एडिट करें और कितने बेहतर हम उसे बना सकते हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप CC 2018। तो ये मैंने खोल लिया है अपना फोटोशॉप। अब हमें चाहिए होगी एक इमेज जिसे हम एडिट करना, तो मैंने पहले से ही सेलेक्ट करके एक इमेज रखी है जो कि रॉ में है। ये एक इमेज आपके सामने खुली हुई है जिसे हम एडिट करने वाले हैं। तो देखेंगे इस इमेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कलर प्रॉपर नहीं है, लाइट्स सही नहीं है, फेस पर भी काम करने वाला है। तो शुरुआत हम करने से पहले, सबसे पहले हम ये पहले से एडिट है तो थोड़ा सा मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जो कि आपको समझने में सही रहे, और एक्चुअल इमेज ये है तो इस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर वार्म टोन काफ़ी ज़्यादा है, बेसिकली ये डे लाइट शॉट है और अच्छी सी विदाउट एनी एडिशनल लाइट यूज़ के, ना ही ऑन कैमरा फ्लैश इस्तेमाल है ना ही ऑफ कैमरा फ्लैश इस्तेमाल है इस शॉट में। तो हम इसी शॉट को एडिट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने वाइट बैलेंस से। तो वाइट बैलेंस हमें करेक्ट करना, देखेंगे आप इमेज में थोड़ी सी वार्म टोन है, तो वार्म टोन को हटाने के लिए हमें जो आपका टेम्परेचर का वॉल्यूम है, यहाँ पर 4900 टेम्परेचर है, तो इसे हम थोड़ा कूल करेंगे। तो धीरे से आप देखेंगे कि हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वार्म टोन थोड़ी सी जा रही है, लेकिन जब हम वॉर्म कम कर रहे होते हैं और टिंट पर काम नहीं करते हैं, इवन जब हम टेम्परेचर पर काम करते हैं, टेम्परेचर या तो वॉर्म होता है या कूल होता है, और उसके साथ ही हमारे पास एक टिंट चलता है जो ग्रीन होता है या मैजेंटा होता है, तो हम अगर कूल कर रहे हैं इमेज तो अपने आप टिंट में ग्रीन कलर अपने आप इंक्रीज होने लगता है। तो उसे मैनेज करने के लिए हम निचली लाइन पे आएंगे जहाँ पे टिंट लिखा हुआ है, टिंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे की तरफ की, वहाँ से ग्रीन टोन जो स्किन टोन पे आती है वो हट जाए। तो ये देखेंगे कि आपका एक अच्छा स्किन का टेक्सचर आ गया है, कलर आ गया है और ये स्किन का कलर अब सही लग रहा है। अब आते हैं हम दूसरा एक्सपोजर पर। अगर इसे आप ऑटो करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, और बेस्ट वे है कि आप ऑटो कर लें फिर अब देखें कि आपके शॉट में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, ऑटो करने पर क्या चीज़ इंक्रीज हुई, क्या चीज़ बढ़ी है। तो मैंने इसे ऑटो किया, उसके बाद हम हाइलाइट्स को बिल्कुल गिरा देंगे, बिल्कुल हम हाइलाइट्स को गिरा देंगे, और अब देखेंगे कि हमारे एक्सपोजर में कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एक्सपोजर हम और डल करेंगे यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा डार्क रहे बैकग्राउंड, तो ज़्यादा अच्छी इमेज लगती है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे स्किन कलर, जब हमने हाइलाइट्स डाउन की तो स्किन जो थोड़ी सी फेड आउट सी लग रही है, तो इसको सही करेंगे। तो अब ये सारा काम हम कलर पैनल में जाके करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक करेक्शन होता है रॉ फिल्टर का, उसी फिल्टर में हम कलर का भी कलर्स चेंज करेंगे। तो हम जाते हैं अब कलर्स के ऑप्शन पे। ये हमारे कलर्स इस वक्त जो हैं आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे ल्यूमिनेंस में और यहाँ पर देखेंगे एपिसिटी हम बढ़ाएंगे ऑरेंज कलर की, जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ब्राइट होना नज़र आएगी। तो जैसे कोई व्यक्ति आप एडिट कर रहे हैं तो कोई सांवला है या जिसका थोड़ा सा कलर डल है, तो आप उसके लिए ऑरेंज बार का इस्तेमाल करेंगे और उसे बढ़ाएंगे, देखेंगे ये डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, ठीक है, ये ऑरेंज इंक्रीज़ कर लिया। अब बाकी कलर जो है, जैसे कि लिप्स का कलर रेड है तो मैं रेड थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। अब आते हैं हम बैकग्राउंड कलरिंग पे जो कि ग्रीन है। तो ग्रीन आप हमेशा जब भी आप ग्रीन बढ़ाना चाहेंगे तो आप ग्रीन बढ़ाएंगे तो ग्रीन एकदम से अगर बढ़ा देते हैं तो आपका वो सैचुरेटेड सा लगता है। तो बेसिकली जो ग्रीन का एक्चुअल कलर आता है वो ग्रीन और येलो मिलाकर आता है, तो आप ग्रीन बढ़ाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप येलो भी बढ़ाते जाएं और देखें कहाँ तक आप सही आपका कलर आ रहा है। तो ये कलर हमने दिया है, अब इसे क्या करेंगे हम अभी भी देखेंगे तो कुछ एरिया है जैसे कि जो
जो मेल फेस है इसके पीछे यहाँ का एरिया थोड़ा सा शेडोज़ में है, और ये नेक के पास एरिया थोड़ा सा शेडोज़ में है, तो हम कोशिश करेंगे कि शेडोज़ को ओपन करें। तो हम यहाँ से अगर शेडोज़ को ओपन करते हैं, आपका जो बेसिक करेक्शन था वहाँ से हमने +36 दिखा रहा है यहाँ पर, अगर इसे इंक्रीज हम करते हैं तो ये ओवरऑल फ्रेम पर जो है एक्सपोजर खुल रहा है, शेडोज खुल रही है, तो उसका बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, आपका एडजस्टमेंट ब्रश टूल होता है सबसे ऊपर लाइन में, एडजस्टमेंट ब्रश टूल, ब्रश टूल पर जाएंगे तो एक पैनल इस तरीके से खुल के आपके सामने आएगा। और अब हम देखेंगे कि हमें कलर बढ़ाने हैं, तो ये एक बार लेते हैं और इसे हम, सॉरी ये पहले से हुआ है तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके की कलरिंग आपको दिखेगी ये। अब हम क्या करते हैं, फेस पर थोड़ा सा एक जगह यहाँ पे पॉइंट करेंगे, एक्सपोजर आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फेस पर इस तरीके से आप पेंट करेंगे। ये देखिए आप पेंट करेंगे तो आपको लाइट्स जो है फेस एरिया पे खुलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी आपको डार्क लग रहा है, जैसे हाथों पे, यहाँ पे जो स्किन का कलर है, जो स्किन आपकी डल डल सी लग रही है, उसे हम ओपन करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। नॉर्मली बस पेंट करना है आपको ब्रश की तरह, और ये आप देखें, अब इसकी ऑपेसिटी आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये मुझे इस वक्त यहाँ तक सही लग रही है और मैं इसे यहाँ तक छोड़ दूंगा। और ये आपका एक्सपोजर जो था फेस का, जो हाइलाइट्स थी वो आपकी निकल कर सामने आई हैं, तो ये इस तरीके से कुछ आया है। अब अगर इसी में थोड़ा सा वार्म कलर हम स्किन पर डालें, थोड़ा सा वार्म करें, तो यहीं से टेम्परेचर भी हम मैनेज कर सकते हैं हल्का सा, और वार्म हमने इसमें दे दिया है। तो ये आपका बेसिक करेक्शंस जो आप फ़ोटो में होते हैं वो आपने कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी बढ़ा देंगे जो आपके शार्पन का काम करेगी, तो क्लियरिटी हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली है। अब इसे हम फोटोशॉप पे ओपन करेंगे, तो ये फ़ोटो मैंने ओपन कर ली है फोटोशॉप पे। अब विदाउट एनी टूल यूज़ किए बिना सबसे पहले तो हम डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, तो हम प्रेस करेंगे Command-J और हमने डुप्लीकेट लेयर बना ली है। अब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, जैसे कि स्किन रिटचिंग, तो स्किन पर हमें काम करना है, तो देखेंगे बहुत सारे स्पॉट्स स्किन पे हैं, तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो कई तरीके हैं इस्तेमाल करने के लिए, जो इजी माध्यम है, जो इजी तरीका है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली, आप जाएंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर, याद रखिएगा नाम, ब्रश का नाम जो है, मैंने जो यूज़ करने वाला हूँ उसे न, उसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये करता क्या है कि आप स्पॉट बाय स्पॉट आप काम करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लेमिशेज हैं या पोर्स हैं, वो उन्हें सही करने के लिए, तो इसे सही करने का, ये स्किन से आप जहाँ पर वो ब्लेमिशेज हैं, जहाँ पर वो स्पॉट है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, वहीं से आप एक सैम्पल क्लिक करेंगे, और ये ब्रश हीलिंग टूल जो है ये बराबर कंटिन्यूअसली आपका स्किन का कलर लेता रहेगा और उसे फिल करता रहेगा। तो ऑप्शन की दबाएंगे और इस तरीके से देखेंगे आप पेंट करेंगे, तो जो जो स्पॉट है वहीं पर सिर्फ आपको पेंट करना है सिंपली। आप इस तरीके से स्किन पर जहाँ जहाँ पर भी आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, आप इस तरीके से बस डॉट बनाकर साइज़ मेंटेन रखें, जूम कर लें, जितना बेहतर जूम करेंगे उतना अच्छा स्पॉट आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये ब्लेमिशेज हैं या पोर्स हैं या जो भी आप इन्हें कहते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से आप हटा लें। ये देखिए अब जहाँ जहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से आप सिंपली ब्रश का यूज़ करते जाइए। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल नाम है इसका, तो
तो आप जहाँ जहाँ पर भी ये स्पॉट देख रहे हैं तो आप उसे करते जाएं। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप सारे स्पॉट्स को स्किन से हटा सकते हैं। ये एक माध्यम हो जाता है इस तरीके से हटाने का, और भी कई तरीके हैं। मैं आगे वाले वीडियोस में आपको और बेहतर तरीके बता दूंगा कि किस तरीके से, जैसे हाई एंड रीटचिंग होती है जिसे फ्रिक्वेंसी सेपरेशन कहते हैं, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम एक पोर्ट्रेट, ओवरऑल पोर्ट्रेट पर काम कर रहे हैं जो प्री वेडिंग का कंटेंट है इसके लिए, तो हम इस पर पहले काम करेंगे। तो इस तरीके से आपने जितने पोर, आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक आइडिया देना है कि किस तरीके से काम करते हैं। आप अगर बहुत टाइम देकर थोड़ा सा काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट एडिट कर पाएंगे, बहुत अच्छी स्किन रिटचिंग कर पाएंगे सिंपल एक टूल के साथ में। साथ में यहीं पर आप अगर देखेंगे तो एक टूल और होता है जस्ट उसी के नीचे आपको मिलेगा, जिसे क्लोन स्टैम्प टूल कहते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल से भी काम करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। आप ऑप्शन की पे जाएंगे, या विंडोज़ यूज़र हैं तो आर्ट की दबाएंगे और सैंपल लेंगे, फिर आप उसे करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये जो एरिया है, जो ज़्यादा ब्लैक एरिया लगते हैं ना, उनको हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लैक है, तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं उसे, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि अगर आप कलर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड लगेगा देखने में आपको, ठीक है। तो आप क्लोन स्टैम्प, आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप इसे रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। आप देखेंगे कि आपने ऑलमोस्ट रीटचिंग कर ली है, फेस आपका सही लग रहा है। अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल हमने स्किन की रीटचिंग कर ली है और कलर थोड़े से मैनेज कर लिए हैं, अब आ जाती है बारी कि हम कलर और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं या इसे एक सिनेमेटिक लुक कैसे दे सकते हैं। तो हम इस लेयर को यहाँ पर आपने बनाई है, अब दूसरा आप क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखें, क्रिएट न्यू फिल आर एडजस्टमेंट लेयर का एक ऑप्शन दिया होता है, फिर से मैं नाम बोल देता हूँ, इसे कहते हैं क्रिएट न्यू फिल आर एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एक सेलेक्टिव कलरिंग का, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया होता है सेलेक्टिव कलरिंग का, जिसे हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का बार यहाँ पर खुल के आ जाएगा। इसे मैं बाहर कर लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। तो ये इसके ये बार आपका खुल के आ गया है, ठीक है। तो अब हमें ग्रीन और ब्लू पे काम करना है क्योंकि बैकग्राउंड में वही सबसे ज़्यादा कलर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से येलो सेलेक्ट किया। तो देखेंगे आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करने के लिए हमें येलो चेंज करना है। तो हमने देखा क्या, येलो अगर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो या तो इधर फेड हो जाता है या इधर बढ़ जाता है। तो इसे हमने क्या किया, जो एज इट इज़ इसका रेशियो है 0:0, हम इसे 0 ही रहने देंगे, और जो सियान है उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो सियान में हमने देखा कि ये इफ़ेक्ट आया हुआ है इधर, ठीक है, हम इसे पूरा फुल कर लें, और नीचे फिर मजेंटा में चले जाते हैं और इसे डार्क करने की कोशिश करते हैं कि ये हम एक इस तरीके का लुक दे पाएँ कुछ। और साथ ही ग्रीन में जाएंगे तो ग्रीन भी जो छूट जा रहा है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्का हल्का सा ग्रीन रह रहा है, तो उसको भी करेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट कर लेंगे तो और भी अच्छे से वो चीज़ें इन्हेंस होके आएंगी। आप देखेंगे दोनों में चेंजेस नज़र आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा सैचुरेटेड लगेगा एब्सोल्यूट में, तो एब्सोल्यूट ना करें तो अच्छा है। और ये इस तरीके से हो गया। आप थोड़ा सा रेड भी देख लेते हैं, आपने रेड देखा, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लू कलर है तो ब्लू पे भी जाते हैं, और हम ब्लू भी इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके देख लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। हमने ये कर लिया है। अब आप देखेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंसेस आए हैं कि
पहले हमारी कुछ ऐसी इमेज लग रही थी, अभी ऐसी लग रही है, लेकिन कलर किया है तो उसके साथ में क्या हुआ कि जो कलर हमने बनाए वो हमारी सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट जो है, देख रहे होंगे कि यहाँ स्किन के कलर्स भी चेंज हो गए। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपने किया है ब्रश टूल सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपका सेलेक्ट टू कलर का जो ऑप्शन बार यहाँ पर लेयर में नज़र आ रहा, देखेंगे यहाँ पर वाइट है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कलर पैनल है वहाँ पर जाएंगे, इसे डिफ़ॉल्ट रखेंगे। डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको डी प्रेस करना है, और अगर लेयर स्टाइल में आपकी वाइट दिखा रहा है तो आप यहाँ ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपना ब्रश का साइज़ बड़ा करें और नॉर्मली यहाँ पर पेंट कर दें। तो देखेंगे कि आपके स्किन से जो जो कलर आए हुए थे स्किन पर वो हट जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, और आपको जो पहले आपने स्किन रिटचिंग या कलर पे काम किया था स्किन की, वो आपकी फिर से आपको मिल जाएंगे। तो ये अंतर आया, सिर्फ और सिर्फ आपके बैकग्राउंड चेंज हुआ है और बाकी आपके सब्जेक्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप उसे मास्किंग के थ्रू, एक तरीके से मास्किंग कह सकते हैं इसे, मास्किंग के थ्रू आपने कलर अपने पुराने जो इमेज में आपने किए थे वो रिवील कर लिए हैं। इतना करने के बाद देखें कि और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है। तो अगर देखें कि इस कॉर्नर में आप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो काफ़ी अच्छा ये पेड़ जो है आपका नज़र आ रहा है, झाड़ नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसी पेड़ को इस तरफ लगाया जाए तो कैसा रहेगा। तो क्या करते हैं कि हम एक लेयर सेलेक्ट करते हैं और इसे क्या करते हैं, ये इतना एरिया जो है इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉपी वाया लेयर वाया कॉपी कर लेंगे। तो आपको एक इसकी यहाँ पे देखेंगे एक सॉरी आपको एक लेयर मिल जाएगी, एक मिनट मैं लेयर पिक नहीं हुई अभी, तो लेयर टू हमने सेलेक्ट किया और वन मिनट इसे हम डिलीट करेंगे, दोबारा से ये करेंगे, ये ड्रैग नहीं हो रही है फाइल। तो क्या करना है, एक लेयर और बना लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे कलरिंग अपने आप कंप्लीट कर ही ली है तो उसके बाद ये चेंज करने के लिए आप एक और कमांड जे दें और आप एक लेयर बना लें और उस लेयर को होल्ड करें और पहले इस लेयर को आप ऑफ कर दें जो आपने कलर वाला किया था, सेकंड लेयर पर चले जाएं और इसे मूव करें, देखेंगे इस तरीके से मूवेबल होगी। अब इसे कंट्रोल टी दे दें ट्रांसफॉर्म में और इसे हॉरिजेंटल करें तो ये इस तरीके की हो जाएगी, और फिर इसे वर्टिकल कर दें तो ये इस तरीके की इमेज कुछ आपको लगेगी। आप इसे सिंपली प्रेस कर दें, उसके बाद आप क्या करना है, ऑप्शन की दबानी है और मास्क का जो ऑप्शन था उसे दबा देना है। जैसे ही आप मास्क का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, जो आपने अभी लेयर लगाई थी वो लेयर यहाँ से रिमूव हो गई। रिमूव क्या इन द सेंस कि वो मास्किंग हो गई, वो रिवील नहीं है। अब रिवील करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफ़ॉल्ट कलरिंग इस्तेमाल करनी है, अगर यहाँ पर ब्लैक है तो आप वाइट कर लेंगे। तो यहाँ से ब्रश को वाइट कलर को वाइट किया और ब्रश टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद नॉर्मली हम क्या करेंगे इस एरिया में किस तरीके से जो झाड़ आपने ऊपर देखा हुआ था इस तरीके से उसे यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये झाड़ यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एज एन शार्पन और इस तरीके का झाड़ नॉर्मली होता नहीं है। तो क्या हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा आप फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे, गाउजिन ब्लर पे जाएंगे और सॉरी सबसे पहले आपको ये यहाँ से लेयर मास्क नहीं, जो आपकी इमेज है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे, गाउजिन ब्लर पे जाएंगे और इसकी ऑपेसिटी जो है आप चेंज कर देंगे। ऐसा लगेगा कि फोरग्राउंड में कुछ पेड़ पौधे आ रहे थे, जिससे क्या है इस तरीके का कुछ नज़र आएगा और आप जब लेयर अपनी रिवील करेंगे तो सेम कलर जो आपने उधर किए थे वो भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि ये वाला जो एरिया था यहाँ पर कुछ रिवील है, तो क्या करेंगे, तो पहले वाली जो ये ग्रीन एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये इस कलर से मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे कि फिर से आप अपनी वही कलर वाले पैनल वाले लेयर पर जाएंगे
और यहाँ से आप वाइट करेंगे, सॉरी ब्लैक करेंगे, और ब्रश टूल लेंगे और इसे हल्के से वाइट कलर लेके इसे पेन करेंगे तो जो सेम कलर था वो आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एडिटिंग हो गई। अब भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं या और डिटेलिंग में जाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। कलर और भी ज़्यादा, अगर आपको फिर से कलर चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपने लेयर बनाई हुई थी आप वहाँ पर जाएंगे तो वही पैनल आपका दोबारा खुल के आ जाएगा और आप जिस भी कलर को दोबारा से चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए तो एक सिनेमेटिक लुक देने के लिए एक ये तरीका हो जाता है। और भी अगर तरीके करने हैं तो ओवरलेज आते हैं, आप ओवरले लें, उसे ब्लेंड करें, इस तरीके से आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से प्री वेडिंग पोर्ट्रेट को हम एक सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं या बना सकते हैं और कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे टाइम से देख सकें। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका मेरे साथ बने रहने के लिए।